टॉपिक प्रेजेंट करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ओवरऑल जो गर्दन का दर्द है वो 86.8% है लोगों के, जो नेक पेन है वो 86.8% लोगों के नेक का दर्द है। और जो नेक का दर्द है इसमें अब आपके पास जो पेशेंट आता है नेक के दर्द के साथ, तो उसमें 86.8% नेक पेन जो होता है उसमें भी 80% जो होता है वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से होता है, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता क्या है। और उसको समझने से पहले ये नॉर्मल पोस्चर सबसे पहले समझिए कि हमारा नॉर्मल पोस्चर क्या होता है। ये आपको स्लाइड एक दिख रही है, ये एक नॉर्मल नेक पोस्चर की स्लाइड है। इसमें अगर एक प्लम लाइन डालते हैं आप, प्लम लाइन का मतलब एक ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, तो ये हमारे एयर पिन्ना से जाती हुई हमारे शोल्डर से क्रॉस करती है, तो ये हमारा नेक पोस्चर नॉर्मल नेक पोस्चर होता है। तो इस पोस्चर में हमको कोई तकलीफें नहीं देखने को मिलती हैं। ये पोस्चर हम जो नेक का पोस्चर है ये हमेशा ये नेक का पोस्चर को ये एटीट्यूड हमेशा एज्यूम करते हैं, हमेशा इस पोस्चर को एज्यूम करते हैं लेटने में भी बैठने में भी चलने में भी और जितनी भी एक्टिविटीज में। ये पोस्चर हमारा अगर मेंटेन रहता है तो हमारे नेक के जॉइंट में हमारी नेक की मसल में प्रेशर कम रहता है, हमारे हमारा जो नेक है ओवरऑल एक आप ये समझ लीजिए कि इसको हेड को जो हमारा सर है इसको एक अज्यूम करिए कि वो तंबू की तरह है, जैसे शादियों में कायनात लगती हैं उसके चारों तरफ एक बड़े बड़े डंडे लगे होते हैं और उस डंडे से रस्सा से खींच के उसको हम ऊपर की कायन तंबू को खींचे खींच के बांधे रहते हैं। तो इसी तरह से उसको अज्यूम करिए कि जो मेरा सर है वो एक ऊपर का पर्दा तंबू है और हमारी जो नेक की मसल है जो एंटीरियर नेक मसल होती हैं जो हमारे चिन के नीचे होती हैं, पोस्टीरियर नेक मसल होती हैं जो हमारे ऑक्सीपुट के पास होती हैं जो गर्दन के पास होती हैं, हमारी जो कान के बगल की मसल होती हैं कान के दोनों तरफ जो मसल होती हैं और जो हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है जो शोल्डर की बड़ी मसल होती हैं, ये हेड को खींच के सीधा रखती हैं और अपने नॉर्मल पोस्चर में रखती है। किसी का काम फ्लेक्सन का होता है सर को झुकाने का होता है, किसी को काम सर को ऊपर उठाने का होता है, कोई मसल जैसे ट्रेपीजियस मसल हमारे सर को हमारे स्पाइन के जरिए हमारे शोल्डर से जुड़े रहती है। तो इस तरह से ये जो मसल है वो एक सिनर्जी पैटर्न पे काम करती है, बहुत कंप्यूटराइज वर्क होता है एक दूसरे से बिल्कुल आपस में तालमेल कर करके ये नेक के पोस्चर को बनाती है। अब अगर हम इस पोस्चर को मेंटेन करते हैं तो हमारी मसल चारों तरफ की मसल नॉर्मल सिनर्जी पे रहती हैं, हमारी इस सिनर्जी के साथ हमारी इस तालमेल के साथ हमारे ऑक्सीपिट पे हमारे सर्वाइकल जॉइंट पे प्रेशर 7 वर्टिब्रा में बदल जाता है। सभी लोग जानते हैं कि सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होती हैं वो 7 होती हैं, तो 7 में बराबर बराबर हेड का जो हमारे सर का भार है वो सर्वाइकल वर्टिब्रे से जो जाता है वो बराबर इस पोस्चर में बराबर बराबर बढ़ता है। अब आप इस चीज को ये समझ लीजिए कि एक काम को अगर 7 मजदूर करते हैं तो वो 7 मिलकर के काम करते हैं तो वो कम थकते हैं, और अगर हम गलत पोस्चर में इस नेक को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नेक के लोड को जिसको हम काम समझ लें वो 7 मजदूर ना करके सिर्फ 1 या 2 करते हैं जिसको C6 C7 कहते हैं। अगर हमारा पोस्चर अब आप देख लीजिए ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। अब आप चाहे जितनी पैथोलॉजी की बात कर लीजिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर लीजिए, नेक नेक में जो है PIVD की बात कर लीजिए, डिस्क प्रोलैप्स की बात कर लीजिए, ये सारी चीज स्टार्टिंग यहीं से होती है क्योंकि इसकी इटियोलॉजी जो होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किसी से पूछ लीजिए ये क्यों हो गया,
तो वो उसका ये जवाब नहीं है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों हो गया, डिस्क आपकी क्यों चली गई, आपका जो है क्या कहते हैं हाथों में दर्द क्यों आने लगा, आपके चक्कर क्यों आने लगा, वो कोई ना वायरस है ना बैक्टीरिया है, वो है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। जो 80% जो नेक के पेन होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और कार्सिनोमा और वो छोड़ के जो भी कारण होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, फॉरवर्ड हेड पोस्चर से। बताने का जरूरी ये है कि जब तक के आप ये नहीं समझेंगे कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे पेशेंट को, आप रिहेबिलिटेट नहीं कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या समझाना है। तो जब से ये चीजें ज्यादा बढ़ गई, जब से मीडिया का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, ज्यादातर लोग मोबाइल और लैपटॉप और जो है स्क्रीन और उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, मीडिया डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने लगे हैं। अब देखिए इसमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर में प्लम लाइन कहाँ जा रही है, मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि प्लम लाइन जो होती है वो, तो हमने इसमें देखा कि नॉर्मल नेक पॉस्चर जो है मैं प्लम लाइन सीधे कान के पास जा रही है, तो ये एक एक फंडामेंटल होता है कि पॉस्चर हमको कैसे रखना है। तो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर में देख लीजिए आप प्लम लाइन कहाँ जा रही है, नॉर्मल पॉस्चर में देखिए ग्रीन हो लाइन में आपके एयर पिन्ना से शोल्डर तक जा रही है, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर में देखिए प्लम लाइन कहाँ जा रही है, तो आपका हेड जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन में डिफरेंट एक्टिविटीज में, आप चाहे लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप जो है मीडिया डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप ऐसे ही खड़े हो कोई काम कर रहे हो या देख रहे हो, आपका गर्दन आगे की तरफ चली जा रही है, इसको फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। बताने का तरीका ये मतलब ये है कि ये सिर्फ एक वाहिद एक कंडीशन ऐसी है जिसके वजह से सारी पैथोलॉजीज हो रही है, जिसके वजह से परेशानी हो रही है, एक आध दिन में दिक्कत नहीं होती है, मगर जब सालों आप काम इस तरह के करते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर में तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो हम आगे आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने बता ही दिया आपको 86.8% नेक के पेशेंट आते हैं। इटियोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी फॉरवर्ड हेड पोस्चर हमारे क्यों हो जाते हैं भाई, ऑक्यूपेशनल पोस्चर होते हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप बैठ करके पर्चा लिख रहे हैं, डॉक्टर की सीट और डॉक्टर की चेयर और डॉक्टर की जो है टेबल वो अलाइनमेंट में नहीं रहती है, हमेशा गर्दन झुका के वो चीजें पर्चे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो ये ऑक्यूपेशनल पोस्चर होता है। ठीक, फॉल्ट दूसरा इटियोलॉजी होती है, इटियोलॉजी के मतलब वजह क्या है कि हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर ले लेते हैं, तो उसमें फॉल्टी पेल्विक एंड लंबर स्पाइन पोस्चर, क्योंकि हमारी इस गर्दन की स्पाइन जो है सर्वाइकल स्पाइन है वो सारी ऊपर से नीचे तक के लंबर स्पाइन और थोरैसिक स्पाइन से भी जुड़ी रहती है, तो अगर हम कमर को झुका के बैठते हैं, भले ही मेरी गर्दन को हम एटीट्यूड संभाल के रख रहे हैं कि गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और हम बिल्कुल सीधा बैठे हैं, मगर कमर से हम बिल्कुल राउंड बैठे हुए हैं तो गर्दन सीधी नहीं हो सकती है, तो अगर कमर लंबर स्पाइन का पॉस्चर भी हमारा फॉल्टी होगा तब भी हमारा फॉरवर्ड हेड पॉस्चर हो जाएगा। फॉरवर्ड हेड पॉस्चर का तीसरा कारण होता है स्लीपिंग विद हेड एलिवेटेड, हम गर्दन के नीचे ऊंचा तकिया रख के सोते हैं, लगातार सोते हैं, सालों सोते हैं, इसके वजह से ये फॉरवर्ड हेड पॉस्चर हमारा मेंटेन हो जाता है। और चौथा है लैक ऑफ पावर ऑफ बैक मसल, बैक की जो मसल होती हैं उनका काम होता है सर को खींच के सीधा रखना, तो ये अगर मसल कमजोर होंगी तब भी हमारा फॉरवर्ड हेड पॉस्चर का एटीट्यूड बन जाता है। तो ये एक चार पांच कारण होते हैं कि फॉरवर्ड हेड पॉस्चर क्यों होता है। अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर आप इस समझ लीजिए कि किनको मतलब किन किन लोगों को ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर के बाद प्रॉब्लम ज्यादा होती है, मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत से लोगों को फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, आगे गर्दन आगे करके चलते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, मगर कभी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, मगर कुछ लोगों को देखा गया है कि ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर के बाद प्रॉब्लम ज्यादा किसको होती है, ये होता है रिस्क फैक्टर। तो फीमेल जेंडर को फॉरवर्ड हेड पोस्चर सूट नहीं करता है, हमेशा गर्दन में दर्द, ऑक्सीपिटल में दर्द, माइग्रेन तक के फॉरवर्ड हेड पोस्चर में दर्द होता है जो फीमेल बताती हैं, तो कभी कभी फीमेल पेशेंट को माइग्रेन का या आधा सीसी का दर्द बता रही है वो, और अगर पोस्चर करेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत ही
आसानी से पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरा ये है कि ये रिस्क फैक्टर ओल्ड एज में ज्यादा होता है, मतलब फॉरवर्ड एक पॉस्चर अगर ओल्ड एज में ज्यादा होगा तो ओल्ड एज के पेशेंट में पेन ज्यादा होता है, उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। स्मोकर्स, स्मोकर या पोस्ट स्मोकर्स, स्मोक कर चुके हों या स्मोक करते हों, उनमें फॉरवर्ड हेड पॉस्चर ज्यादा पेनफुल होता है, ज्यादा उनको प्रेजेंटेशन उनके प्रॉब्लम का होता है। और हाई जॉब डिमांड, बहुत ज्यादा बैठ के काम करना, दिन भर पेशेंट देखना, दिन रात पेशेंट देखते रहना, तो या कोई और स्क्रीन पे लगातार काम करना, तो हाई जॉब डिमांड वाले जो पेशेंट होते हैं उनको फॉरवर्ड हेड पॉस्चर तकलीफ देता है। तो ये रिस्क फैक्टर हो गया। अब मेन समझने की बात है कि क्यों हम फॉरवर्ड हेड पॉस्चर बता रहे हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप एक्सरे में फाइंडिंग देखते हैं, जो भी आप एमआरआई में फाइंडिंग देखते हैं, उसके पीछे दसियों साल की कहानी फॉरवर्ड हेड पॉस्चर की होती है। अब इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं फॉरवर्ड हेड पॉस्चर में, देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पहला जो होता है इसमें चेंज, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है सात होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले पहले की जो दो वर्टिब्रा होती है C1 C2 C0, ये अपर होती है, उसके बाद मिडिल आती है, लोअर आती है। तो ऊपर जो ऑक्सीपिटल सबसे ऊपर की जो वर्टिब्रा होती है उसमें हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप आसमान की तरफ देखें तो एक्सटेंशन होता है, तो वो हाइपर एक्सटेंशन में आ जाती है। और बाकी जो है वर्टिब्रा जो होती है फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में आ जाती है, मतलब आगे की तरफ हो जाती है। अब ये देख लीजिए कि ये आपका फॉरवर्ड हेड पॉस्चर स्पाइन लेवल में चेंजेस कर रहा है, थोरासिक कैफोसिस हो जाती है। थोरासिक कैफोसिस के मतलब कि आपके कूबड़ निकल आता है, आपके दोनों स्कैपुला के बीच में राउंड हो जाता है, स्लाउच फॉरवर्ड शोल्डर, और शोल्डर जो होते हैं वो स्लाउच हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं और राउंड हो जाते हैं। राउंड अपर बैक, और अपर बैक जो होती है वो राउंड हो जाती है। तो केवल फॉरवर्ड हेड पॉस्चर से ये चार चेंज आपको दिख गए। पांचवा आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनफुल शॉर्टनिंग ऑफ मसल ऑफ बैक ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। जो सर्वाइकल स्पाइन के पीछे की मसल है, जो आपकी गर्दन के पीछे की मसल है, उसमें क्या होता है वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है, पेनफुल शॉर्टनिंग होती है, वो सिकुड़ जाती है, वो टाइट हो जाती है। और इसीलिए जब हम उसको लिटा के ट्रैक्शन करते हैं या उसके पीछे की मसाज करते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाती है, वो पेशेंट को आराम मिल जाता है, ये हो जाता है। अब देखिए कंप्रेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके साथ साथ सर्वाइकल वर्टिब्रे में कंप्रेशन भी हो जाता है। जो आप एमआरआई में फाइंडिंग करती हैं कि ये दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क दब रही है, तो इससे भी कंप्रेशन हो जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा के। प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस एंड नर्व कंप्रेशन, तो कई बार दर्द के साथ पेशेंट आता है, गर्दन में दर्द है और हाथ में झनझनाहट आ रही है, हाथ में दर्द जा रहा है, तो उसका कारण भी फॉरवर्ड हेड पॉस्चर बहुत लॉन्ग टर्म में रहा है उसको, उसकी उस वजह से उसकी स्पाइन पे फर्क पड़ गया है, और उसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो उसकी डिस्क है, वो प्रोलैप्स कर गई है, नर्व कंप्रेस कर गई है और उसके अब दर्द आ रहा है। इसके साथ साथ फॉरवर्ड हेड पॉस्चर से आरओएम डिक्रीज हो जाती है, नेक कभी कभी पेशेंट बताता है कि मेरी पूरी घूम नहीं रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे, यह रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है, और डिस्क डीजनरेशन एंड ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आप देखते हैं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज देखिए आप कि जो 10वां पॉइंट है, आप इसको देखिए कितना कितना आगे की तरफ जा रहा है हमारा, गलत ढंग से काम करना और गलत गर्दन का इस्तेमाल करना, आप एक छोटी चीज समझते हैं इसमें, आप ये समझ लीजिए कि रिस्पिरेटरी मसल, इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो भी वीक हो जाती है, जिससे आपकी वाइटल कैपेसिटी भी कम हो सकती है, सांस लेने की ताकत कम हो जाएगी, स्टैटिक बैलेंस में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऊपर का जो वर्टिब्रा होता है वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, उसके ऊपर ही बैलेंस का ऑर्गन लगा रहते हैं, तो स्टैटिक बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाती है,
ट्रेपीजियस, हमारी कुछ मसल बहुत टाइट हो जाती हैं जिसमें ट्रेपीजियस मसल होती है, पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस का मतलब आगे की मसल जो होती है, सीने की मसल जो होती है वो टाइट होती है, तभी शोल्डर को आगे राउंड कर लेती है। पीछे ट्रेपीजियस, सभी जानते हैं कि ट्रेपीजियस मसल भी इससे टाइट हो जाती है। अब वीकनेस आती है, मतलब कुछ, अब ये समझना पड़ेगा आपको कि फॉरवर्ड एक पॉस्चर में कुछ मसल में वीकनेस आती है, कुछ मसल में टाइटनेस आती है। जो 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 मसल टाइट होती है उसको हम रिलीज कराते हैं, उसको हम रिलैक्स करते हैं, और जो वीक होती है उसको स्ट्रेंथ करते हैं, उसको हम ताकत देते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, तब जाके ये आपस में तालमेल बैठती है। तो इसमें टाइट कौन सा होता है? टाइट ट्रेपीजियस होती है, पेक्टोरलिस मसल होती है। वीक क्या होता है? नेक फ्लेक्सर्स, गर्दन को के चिन को हम चेस्ट की तरफ जब लाते हैं तो उसको फ्लेक्सन कहते हैं, वो फ्लेक्सर्स जो होते हैं आगे के वो वीक हो जाते हैं। और इंटर स्कैपुलर मसल, इंटर स्कैपुलर के मसल के मतलब स्कैपुला जो पीछे की होता है, जिसको हिंदी में पखौड़ा कहते हैं, उसके बीच की मसल जो होती है वो वीक हो जाती है, इसीलिए शोल्डर आगे की तरफ राउंड हो जाता है। अच्छा, इसमें टेम्पोरो मैंडुलर ज्वाइंट, जो जॉ ज्वाइंट होता है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है फॉरवर्ड एज पॉस्चर में। इतनी चीजें हो रही हैं, ये जो हमने आपको देखा 14 चीजें, इसमें वेल प्रूव्ड है कि फॉरवर्ड हेड, लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरवर्ड हेड पॉस्चर में ये सभी चीजें आपकी हो सकती हैं। पेशेंट कंप्लेन क्या लाता है, किस वजह से? फॉरवर्ड हेड पॉस्चर अगर है तो पेशेंट क्या क्या बता सकता है? देखिए, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर पेशेंट नहीं बताएगा कि हम आगे, गर्दन मेरी आगे हो गई है, वो तो उस पॉस्चर को अज्यूम कर चुका है, वो उस पॉस्चर को एडॉप्ट कर चुका है। उसको कहोगे तुम्हारी गर्दन आगे तो कहीं कहाँ गर्दन आगे, क्योंकि वो उसको एडॉप्ट कर चुका है। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंप्लेन वो बताएगा, कंप्लेन क्या बताएगा, हेडेक बताएगा, नेक डिस्कम्फर्ट बताएगा, गर्दन में अजीब सा तनाव रहता है, मिड बैक पेन बताएगा, मतलब गर्दन को छोड़ के मिड बैक, बैक के बीच का पेन बताएगा, चेस्ट पेन बता सकता है, पेन एंड नमनेस ऑफ आर्म एंड हैंड बता सकता है, हाथ में दर्द जा सकता है, हाथ में पिंस एंड निडल्स की तरह सेंसेशन हो सकता है, और वो ये बता सकता है कि मेरे गर्दन चारों तरफ नहीं घूम रही है, और वो ये बता सकता है कि मेरे शोल्डर भी ऊपर और नीचे नहीं जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, गर्दन की वजह से शोल्डर ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। जॉ का पेन बता सकता है, कंप्लेन ही बता सकता है, मेरे जॉ में पेन होता है, जहां से हम लोग का टेम्पोरो मैंडुलर ज्वाइंट होता है वहां पे पेन हो सकता है, कान के नीचे का ज्वाइंट होता है। डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, सांस हम कस के भरते हैं तो लगता है कि मेरे सांस सीने में जा नहीं रही है, हम सही से उससे कहो कि सीधा बैठो, सांस खींचो, देखो जाती है कि नहीं जाती है। तो ये सब चीजें जो है फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ कंप्लेन ला सकता है वो। अब अगर आप इसको ये नहीं समझेंगे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से हो रहा है, तो सबका एक इलाज पेन किलर, तो अगर ये समझ लेंगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर से होगा, तो सबको अलग 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 तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट देखिए, कुछ भी कर लीजिए, जब लग के उसका पोस्चर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, पोस्चर अवर नहीं करेंगे उसका, कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी जो इतनी सारी दिक्कतें हैं, वो बहुत सालों से आप गलत ढंग से खड़े हो रहे हैं, वो गलत ढंग से गर्दन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको ये सही करिए पहले, तभी ये दर्द में कमी आएगी और दोबारा नहीं होगा। तो पॉस्चरल अवेयरनेस हमको स्टैंडिंग में देखिए, आप तरह तरह के पॉस्चर हैं, स्वे बैक पॉस्चर एक होता है, आगे की तरफ आदमी चला जाता है, लंबर लॉर्डोसिस होती है, लॉर्डोसिस का मतलब लॉर्ड जो होते हैं, मतलब जो भगवान जो कहते हैं लॉर्ड, बिल्कुल तन के चलते हैं, बहुत ज्यादा हिप हाइकिंग हो जाती है, लॉर्डोसिस हो जाती है, काइफोसिस में बहुत से लोग खड़े रहते हैं, ये तो पॉस्चर बिल्कुल सामने दिख रहा है, वो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स हैं, जो फॉल्टी पॉस्चर्स हैं, और आपको एक गुड पॉस्चर्स भी दिख रहा है, हमेशा प्लम लाइन आप डालेंगे तो नेक जो आपके एयर पिना है उससे जाएगी, शोल्डर से जाएगी, शोल्डर से जाके आपकी एसआई ज्वाइंट पे जाएगी, लंबर के पीछे जाती है, ग्रेविटी लाइन डाल सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारी ग्रेविटी लाइन कहाँ कहाँ से जाती है, अगर गुड पॉस्चर है तो ग्रेविटी लाइन देखिए कहाँ से जाती है, ग्रेविटी लाइन टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट के आगे से रहती है, फिर बाद में सर्वाइकल स्पाइन के थोड़े से पीछे रहती है,
फिर बाद में थोरासिक स्पाइन के थोड़े से आगे रहती है, फिर लंबर स्पाइन के थोड़े से पीछे रहती है, फिर सर्वाइकल एसआई जॉइंट के थोड़े से आगे रहती है, फिर नी के बिल्कुल बीच से जाती हुई नीचे मैल्यूलस फुट पे जाती है, एक सीधी लाइन होती है। और ये ग्रेविटी लाइन की वजह से हम मेरी स्पाइन का पॉस्चर बना रहता है। ये तो खैर अलग टॉपिक है, मतलब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ग्रेविटी जो लाइन ऊपर से नीचे तक जा रही है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपके ऊपर से नीचे तक के जो अलाइनमेंट है वो फॉल्ट होगा। उस अलाइनमेंट के वजह से जॉइंट में ओवर प्रेशर आएगा, ओवर प्रेशर की वजह से आपके जॉइंट वक्त के साथ साथ घिसते चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे मेरे तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, है ना। तो ये स्टैंडिंग में पॉस्चर होता है। सिटिंग में देखिए, आप सिटिंग में उसको करेक्ट कैसे कराएंगे, देखिए ये एक ऊपर एक ऊपर एक तस्वीर है जिसमें एक फीमेल बैठी है, जो मैनेजमेंट में मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले उसका मैनेजमेंट जो होगा वो इन सब कंप्लेन के साथ जब मेरे पास पेशेंट आता है, इन जर्नल में सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, इन जर्नल जो पेशेंट आता है तो हम एक मसल रिलैक्सेंट उसको एक पेन किलर लिख देते हैं, ठीक है। और पेशेंट को इम्फेसिस नहीं करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इम्फेसिस इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमको बहुत छोटी सी चीज लगती है कि गर्दन आगे लटका के आप बैठे हुए हैं, वो छोटी चीज नहीं है, वो सालों से वही चीज ऐसी है जो सारी कंप्लेन पैदा कर रही है। हो सकता है कि हेडेक उसको 10-15 दिन से हो रहा हो, तो वो 10-15 दिन से नहीं हो रहा है, उसके अंदर की पैथोलॉजी चल रही है सालों से, उसको अब प्रेजेंट किया है हेडेक, उसको अब नेक डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट किया है, उसको चेस्ट पेन अब प्रेजेंट किया है, 2-4 दिन में प्रेजेंट नहीं करेगा। तो वो तो अगर पेशेंट कहता है कि नहीं चेस्ट पेन तो मेरे 10 ही दिन से हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव हो रही है, आप कह रहे गर्दन आगे लटक रहा है, तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि गर्दन आगे लटकने से, गर्दन आगे रखने से फॉल्टी फॉरवर्ड पोस्चर की वजह से सालों के बाद ये चेंजेस आ सकते हैं। अब ये चेंजेस को रिवर्स करना पड़ेगा उसका मैनेजमेंट, सबसे पहले पोस्चरल अवेयरनेस। पोस्चरल अवेयरनेस में स्टैंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर दिए हुए हैं, इस पोस्चर से नॉर्मली पेशेंट खड़े रहते हैं, इसको करेक्ट करा के जो सबसे आखिर में पोस्चर दिख रहा है जिसमें प्लम लाइन एक डालते हैं लेटरली, और जो एयर पिन्ना से जाती हुई शोल्डर से जाती हुई पैर तक की चली जाती है, इस तरह से इसका खड़े होने का पोस्चर हम उसको मैनेज करेंगे। सिटिंग में पोस्चर आप देख रहे हैं कि सिटिंग में किस तरह का पोस्चर, हम अगर लैपटॉप पे काम करेंगे तो किस तरह से हम उस लैपटॉप को एक बॉक्स के ऊपर अपनी आई के लेवल पे लाएंगे, स्क्रीन का जो लेवल होता है हमारी आई के लेवल में होना चाहिए, हमारी बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी एल्बो और शोल्डर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हमारी नी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हमारा पैर कुर्सी में लटकना नहीं चाहिए, हमारा पैर बिल्कुल फ्लैट जमीन पर रहना चाहिए और पैर पे भी लोड रहना चाहिए। इस तरह से हम सीधा होके अगर बैठेंगे तो ये नॉर्मल पोस्चर है और ये रिवर्स करता है डिजीज को, दोबारा परेशानी को नहीं होने देता है। लेटने का पोस्चर देख लीजिए, लेटने के पोस्चर में पेशेंट को हमेशा बताएंगे कि सीधा लेटेंगे, बिना तकिए के लेटेंगे, कोई तकिया लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादातर अमूमन जो पेशेंट आते हैं वो ये कह देते हैं हमने तकिया छोड़ दिया, तकिया छोड़ने से और प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि वो करवट जरूर लेटेगा, अब करवट लेटेगा तो तकिया नहीं है तो उसकी गर्दन एक तरफ लटकी रहेगी, तो उसके कहेंगे कि जो गर्दन लटक रही है उसको कपड़े से भर लें, मतलब इस करवट लेटने में भी आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो करवट में तकिया और सीधा लेटने में बिना तकिए के, इस तरह से आप उसको बताएंगे लेटने का तरीका। अब इसमें पेशेंट कहता है कि कहाँ नींद में हम करवट में तकिया लगाते रहेंगे और सीधा तकिया नहीं लगाएंगे, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप उससे कहिए कि आप जो कंधे की ऊंचाई है जिसमें करवट आप लेटते हैं और जितना आपका जगह बचती है जिसको आपको फिल करना है, दो तकिया आप उतनी ऊंचाई के बना लें और उसको एक पतले से कपड़े के साथ जोड़ लें जब लेटें, तो एक तकिया एक शोल्डर की तरफ, एक तकिया दूसरे शोल्डर की तरफ, और सीधा बीच में लेट जाएं। जब सीधा लेटेंगे तो आपकी दोनों तकिये को जोड़ने वाला जो कपड़ा है वो आपकी नेक के नीचे से जाएगा सीधे लेटने पे। जब अब दाएं और बाएं जब भी करवट लेगा तो उसको दो तकिया आपको मिलेंगे, तो
तो इस एक तरीका होता है कि इस तरह से इसको पिल्लों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं, नहीं तो पेन किलर खाता रहता है और आगे जाके इसको क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है। पेन मैनेजमेंट में क्या करते हैं भाई, देखिए मकामी प्रॉब्लम है, पेन मैनेजमेंट में मकामी तौर पर बहुत अच्छा इलाज हो जाता है, कोई खून से पैदा होने वाली बीमारी नहीं है। तो इसमें हॉट फोमेंटेशन, गर्म सिकाई, मसाज, दही जामा का हमने बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है, जहाँ पे टेंस मसल हो, जहाँ पे मसल का खिंचाव बहुत ज्यादा हो, वहां पे हिजामा करने पे वो मसल रिलीज हो जाती है। एक टेक्निक होती है मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, वो खैर बताई नहीं जा सकती, वो हैंड ऑन वर्कशॉप में बताई जाती है, क्योंकि जो मसल के नीचे फेशिया की एक लेयर होती है, जो फेशिया फिर बाद में जाके अटैच होती है टेंडन और मसल से, वो भी सिकुड़ जाती है, तो उसको रिलीज कराया जाता है मायोफेशियल। और जैसे ही उसको रिलीज कराते हैं, पेशेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बिल्कुल रिलैक्स उसको फील होता है। तो ये मायोफेशियल रिलीज टेक्निक करते हैं। अच्छा, हिजामा के साथ भी मायोफेशियल रिलीज कर सकते हैं। मैंने उसमें क्या होता है, एक एक पंप उसको दिया और उसके बाद उसको कप को ऊपर नीचे रगड़ दिया, तो फेशिया के साथ जो है मसल आगे पीछे रिलीज हो जाती है। एक टेक्निक ये भी मायोफेशियल रिलीज की होती है। पीपीआईएम जो होती है वो भी एक मैनुअल थेरेपी की टेक्निक होती है, जिसमें ज्वाइंट के बीच की जो सर्वाइकल का ज्वाइंट होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, बीच में नहीं होता, बीच में तो स्पाइन होती है पीछे की, गर्दन के दोनों तरफ सर्वाइकल स्पाइन होते हैं कि ज्वाइंट होते हैं, तो उसको पोस्टीरियर पैसिवली इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट कराते हैं, पैसिव करके, तो उसमें जो मूवमेंट उनके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वो होने लगते हैं, क्योंकि मूवमेंट जब लग के ज्वाइंट में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब लग के वो मसल में भी वो नजर नहीं आएगा, तो हम खींचातानी ना करके उसके ज्वाइंट को मूव करा देते हैं और बहुत आसानी से उसका आरओएम इम्प्रूव हो जाता है, और जब आरओएम इम्प्रूव हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो जाती है, तो पेन भी कम हो जाता है। एक टेक्निक हम लोग आईएफटी की यूज करते हैं, इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है, वो उस तरह से इनका पेन को मैनेज कर देते हैं, लोकली फौरन मैनेज हो जाता है, और पेन पेन को मैनेज करने के बाद उसको रिहेबिलिटेशन कराते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ। पेन तो आप पेन किलर दे के भी खत्म कर सकते हैं, इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मगर रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, जो शॉर्ट मसल होती हैं, जो हमने आपको इससे पहले बताया है कि बैक सर्वाइकल के बैक की जो मसल होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, तो उसको स्ट्रेच कराते हैं ट्रैक्शन देके, और ट्रेपीजियस स्कलेनाई, स्कलेनाई आगे की मसल होती है, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल, पेक्टोरिस मेजर मसल, ये जितनी मसल होती हैं उसको हम लोग स्ट्रेच करा देते हैं थ्रू एमएटी, मसल एनर्जी टेक्निक कहलाती है। अब ये भी सब हैंड ऑन वर्कशॉप में ही बताने वाली चीज है कि किस तरह से हम इन मसल जो टाइट हो गई है, इन मसल को वो कैसे रिलीज कराते हैं, और फौरन रिलीज जाती है, बहुत मतलब 10 मिनट के अंदर पेशेंट जो है वाह-वाह करने लगता है। मैनुअल सर्वाइकल ट्रैक्शन करते हैं, शोल्डर की आरओएम एक्सरसाइज बताते हैं और सर्वाइकल की आरओएम एक्सरसाइज बताते हैं, तो ये रिहेबिलिटेशन हो जाता है। इतनी चीजें हम लोग अपने सेंटर पे करके वो पेशेंट को रिलीफ दे देते हैं, उसके बाद एचईपी बताते हैं। एचईपी के मतलब होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। होम एक्सरसाइज प्रोग्राम भी हम लोग मसल के हिसाब से बताते हैं कि अगर देखिए हमने आपको बताया था क्या क्या हो रहा है उसमें, उसमें हमने ये बताया था शोल्डर, तो मैं बता रहा था कि इतनी चीजें करने के बाद, इतना हम लोग जो पेन मैनेज करते हैं, पेन मैनेज करने के बाद उसको एचईपी बताते हैं। एचईपी का फुल फॉर्म होता है होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। होम एक्सरसाइज प्रोग्राम इस तरह से बताते हैं कि जो उनकी मसल जो टाइट हो गई हैं वो रिलैक्स हो जाए, और जो मसल वीक हो गई हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करा दी जाए। तो इसमें एक शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज होती है, जिसमें पेशेंट को कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए, और खड़े होके अपने दोनों एल्बो को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करिए, जैसे कहते हैं नहीं अकड़ना, बिल्कुल उसको अकड़ने के लिए कहते हैं, और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ और अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इससे दो चार चीजें होती हैं, जो इंटर स्कैपुलर मसल होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, आपकी आगे की पेक्टोरिस मसल सीने की होती है वो उसमें खिंचाव आता है। दूसरी एक्सरसाइज उनको चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज बताते हैं। चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज के मतलब, तो इसमें देखिए होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम लोग
ये बताते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है अगर लगातार इसको पेशेंट कर रहा है तो 4-5 हफ्ते में फॉरवर्ड हेड पॉस्चर भी खत्म हो जाता है और पेन भी उसका ठीक हो जाता है। पहली स्लाइड रखिए डॉक्टर इससे। हाँ ये तो पहले शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज बताते हैं। देखिए आपको देखा होगा पीछे एल्बो को पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करें। पेशेंट और उसको होल्ड करें 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। रिट्रैक्शन एक्सरसाइज देखिए, जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में है पहले पहले पोस्चर में, और फिर बाद में गर्दन को सीधे किया है इस तरह से वापस, तो इसको चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इसको कराते हैं वहीं पे, चिन को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, पीछे की तरफ लाते हैं और उसको होल्ड कराते हैं। होल्ड कराते हैं 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए होल्ड कराते हैं, फिर रिलैक्स करा लेते हैं। तो ये भी कम से कम 10 बार वो करे एक बार में। तो चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज बताते हैं, जिसको चिन को पीछे की तरफ लाते हैं और उसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। फायदा इससे ये होता है कि इसके जो पीछे की जो सर्वाइकल स्पाइन की मसल है उसको स्ट्रेंथनिंग होती है। तीसरी एक्सरसाइज डॉक्टर अनस अब्दुल्ला बताइए, उसमें स्लाइड बदल दीजिए। तीसरी एक्सरसाइज ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिसको हमने आपको पूरी कहानी में ये बताया। पेक्टोरलिस मतलब आगे की जो मसल होती है, सीने की मसल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, वो टेंस हो जाती है। तो उसको रिलीज कराने के लिए पेशेंट को कैसे बताते हैं कि किसी भी चौखट पे खड़े होके, दरवाजे की चौखट पे खड़े होके दोनों हाथ चौखट पे रख के आगे की तरफ अपने आप को ले जाते हैं, तो सीने की आगे की मसल में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। उसको होल्ड करते हैं 10-15-20 सेकेंड होल्ड करते हैं और फिर रिलीज करते हैं, और इसको भी 10 बार कम से कम रिपीट करते हैं। तो इस तरह से ये तीन एक्सरसाइज में जो आपकी शॉर्ट मसल होती हैं उसको स्ट्रेचिंग देते हैं, और फिर बाद में जो आपकी कमजोर मसल होती हैं, बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, वो करवाते हैं। पेशेंट को सिखाते हैं कि अपने हाथ को माथे के सामने रख के दबाएंगे, होल्ड करेंगे, माथे के पीछे रख के दबाएंगे, होल्ड करेंगे, दाएं रखेंगे, दबाएंगे हाथ से, हाथ से दबाएंगे नहीं, सर से धक्का देंगे, हाथ से रोकेंगे, और लेफ्ट एंड राइट ये सब चारों तरफ आप स्टैंडिंग सर्वाइकल आइसोमेट्रिक की ये करेंगे। तो ये 4 सेट ऑफ एक्सरसाइज अगर ये करता रहता है, 4 सेट ऑफ एक्सरसाइज करने के बाद उसकी जितनी भी पैथोलॉजी होती है और अपना पॉस्चर को अगर मेंटेन होता है, वो धीरे 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 8 हफ्ते में करेक्ट हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसको किसी भी पेन की जरूरत नहीं होती है, उसका नंबनेस साथ में चली जाती है, उसके शोल्डर का पेन चला जाता है, उसका आरओएम ठीक हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है वो भी ठीक हो जाती है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है वो भी ठीक हो जाता है, नेक का पेन जो होता है वो भी ठीक हो जाता है। ये 4 तरह की एक्सरसाइज और पॉस्चर का करेक्शन के लिए। और बाकी अगर पेन उसको बहुत ज्यादा होता है तो हमने आपको बताया कि उस तरह से पेन को किस तरह से कम करते हैं हम अपने क्लिनिक में। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं डॉक्टर महफूज, अगर आपके पास टाइम हाँ हो तो क्वेश्चन ले सकते पूछ हैं। ले, पूछ ले। हाँ जी कोई क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन आंसर रिलेटेड आप लोग बता सकते हैं। देखिए रेजिमेंटल थेरेपी को बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता, उसको सिखाया जा सकता है। तो हैंड ऑन वर्कशॉप जो होती है जिसमें लोग आमने सामने होते हैं और पेशेंट पर कंधे जो बताया जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा गेन होता है। इस तरह से बताने से थ्योरी तो क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाता है, मगर हैंड ऑन वर्कशॉप के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से नॉलेज गेन होती है। तो हमको लगता है कि जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो पैथोलॉजी तो लोगों को समझ में आई होगी कि क्या क्या हो जाता है, किस तरह से फॉरवर्डेड पोस्चर को हम लोग को करेक्ट करना होता है, जरूरी क्या चीज है, मगर पेन को कैसे कम करना होता है, ये सब हैंड ऑन वर्कशॉप में ही पॉसिबल हो सकता है। कोई क्वेश्चन हो तो बता डॉक्टर दें। अब्दुल रहमान, डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर अयूब रायनी,
डॉक्टर शाहनाज खान, डॉक्टर शहनाज खान जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जी वर्टिगो भी इससे रिलेटेड है या नहीं, और अगर है तो वर्टिगो को ट्रीटमेंट कैसे कर देंगे? देखिए वर्टिगो और जी, एक वर्ड होता है वर्टिगो इसी डिजिनस, से जी आप समझिए इसको, वर्टिगो और डिजिनस दोनों में बहुत फर्क है ना। पहले आप ये समझ लिए कि वर्टाइगो क्या होता है। वर्टाइगो जो होता है वो स्पिनिंग सेंसेशन होता है, बिल्कुल पेशेंट ये बताएगा कि हम बिल्कुल घूम गए और उल्टियां भी शुरू हो गई, उसको वर्टाइगो कहते हैं, जिसमें उसको लगता है कि मेरे चारों तरफ की चीजें बिल्कुल नाच रही हैं, और हम करवट लेते हैं तो बिल्कुल नाच जाते हैं, और इस करवट लेते हैं तो बिल्कुल सही हो जाते हैं, लेट के उठते हैं तो बिल्कुल चारों तरफ की चीजें नाच जाती हैं, अगर हम कुछ ना पकड़े तो गिर जाएंगे, इसको कहते हैं वर्टाइगो, ये ट्रू वर्टाइगो होता है। एक होता है डिजीनेस, जिसमें उसको सर हल्का हल्का भारी लगता है। तो आप डिजीनेस के बारे में पूछ रही हैं कि वर्टाइगो के बारे में पूछ रही हैं? जी, वर्टिगो के बारे में। वर्टाइगो, तो वर्टिगो जो होती है वो एक्चुअली में फॉरवर्ड हेड पोस्चर से नहीं होती है। वर्टिगो जो होती है वो कान के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, जिसमें हमारा बैलेंसिंग बैलेंस होता है, उसमें प्रेशर चेंज होने की वजह से, उसमें सर्कुलेशन चेंज होने की वजह से वर्टाइगो होता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर बहुत ज्यादा जब स्पाइन लेवल पे आ जाता है, जिसमें ऑस्टियोफाइट्स बन जाती हैं, और नीचे से जो कान की सप्लाई होती है, कान के अंदर की सप्लाई जो होती है वो वर्टिब्रल आर्टरी से जाती है, और वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो गर्दन से पास होके जाती है, तब जो गर्दन की हड्डी में स्ट्रक्चर चेंज आ जाते हैं तो वर्टिब्रल आर्टरी को कंप्रेस करता है, और वो कंप्रेशन के वजह से कान के अंदर का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसको कहते हैं वर्टाइगो, और इस टर्म को कहते हैं बीपीपीवी, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो, और ये ईएनटी वाले देखते हैं। मतलब उसका डिजीनेस का ताल्लुक तो हमारे सर्वाइकल स्पाइन से है, मगर वर्टाइगो का ताल्लुक वो हमारे कान के अंदर से, और उसको वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज से हम लोग कंट्रोल करते हैं। जी, शुक्रिया। डॉक्टर एक मोहम्मद इकबाल, वेस्टिबुलर रिहैब एक्सरसाइज क्या होती है? वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज क्या होती है कि वो कान के अंदर जो हमारी बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। जब कान के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, या उसके अंदर जो लिम्फ, जो उसके अंदर फ्लूड होता है, उसकी रफ्तार में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारी बैलेंसिंग चली जाती है, जिसको वर्टिगो कहते हैं। तब क्या होता है, तब आप पेशेंट को कौन कौन सी दवा लिखते हैं, स्टेमिटिन लिखते हैं, बीटा हिस्टिडीन लिखते हैं, वर्टिगोन लिखते हैं, तो ये सब क्या होती है, देखिए आप कभी पढ़िए तो उसमें लिखा होगा वेस्टिबुलर सिडेटिव, वो वेस्टिब्यूल को सिडेट कर देते हैं, वो वेस्टिब्यूल जो कान के अंदर होता है वो पोजिशन को सेंस करता है, वो आपके बैलेंस को सेंस करता है, और वो क्या हो गया है, वो बहुत गड़बड़ हो गया है, वो आपके बैलेंस को सेंस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको स्पिनिंग दे रहा है, आपको घुमाए दे रहा है बिल्कुल। तो एलोपैथिक में क्या करते हैं, उसी को सुला दो, वेस्टिब्यूल को सुला दो, इसलिए स्टेमिटिल देते हैं आप, बीटा एस्टिडिन देते हैं, वर्टिगोन देते हैं, तो वेस्टिब्यूल इससे सो जाता है, थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा स्पिनिंग सेंसेशन खत्म हो जाता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कहलाते हैं। वेस्टिब्यूल को अपनी नॉर्मल पोजिशन में लाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो पेशेंट को कराना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे करके पेशेंट को चक्कर में कमी आने लगती है। इसको ये समझ लीजिए कि रिहेबिलिटेशन हम लोग इसलिए कराते हैं, इस तरह से कराते हैं कि उसको चक्कर वाली कंडीशन में लेके जाते हैं अपने सामने, जैसे उसको लगता है कि हम कुर्सी पे बैठ के घूमते हैं तो हमको बहुत चक्कर आने लगता है, तो धीरे धीरे हम उस कंडीशन में लेके जाते हैं पेशेंट को, और जब उस कंडीशन में लेके जाते हैं तो क्या होता है कि कान वेस्टिब्यूल बड़ा सेंसरी ऑर्गन होता है, वो अपने को एडॉप्ट करने लगता है कि हम इस पोजिशन पे एडॉप्ट होने लगेंगे,
तो वो जब एडॉप्ट होने लगता है तो वो स्पिनिंग सेंसेशन उसका धीरे धीरे उस चीज का कम हो जाता है और वो उस कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है। इसको इस तरह से भी समझिए, मोशन सिकनेस होती है बहुत लोगों को, बस में बैठने से उल्टी आने लगती है। उनसे आप कहिए कि आप रोज बस में बैठो और 10 15 20 दिन 1 महीने के बाद पूछो आप उल्टी आती है, वो कहेगा नहीं उल्टी आती। वो एडॉप्ट कर गया उस कंडीशन को। इसी तरह वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं, वेस्टिब्यूल को एडॉप्ट कराते हैं उस कंडीशन के लिए जिस कंडीशन में उसको स्पिनिंग होती है, उसको जो है वर्टिगो होता है, उसकी सेट ऑफ एक्सरसाइज होती है, वो कभी बता देंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एंड डॉक्टर तजीन सुनती, डॉक्टर तजीन वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, आजकल यंग पेशेंट्स मतलब चिल्ड्रंस वगैरह भी थोड़ा सर चक्कर वगैरह की कंप्लेन करते हैं, मतलब उनको तो पता तो नहीं होता बट आते हैं कि सर चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वैसे पेशेंट्स का क्या होता है? यंग पेशेंट्स से पूछ रहे हैं जी, यंग सर किड्स, यंग सर अंडर 14 इयर्स ऑफ एज। हाँ तो देखिए डॉक्टर साहब, उनमें जैसे मैंने कहा कि जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब क्या है वो पेशेंट से पूछना पड़ेगा। जैसा आप अभी इससे पहले पेशेंट ने कहा कि वर्टाइगो, तो वर्टाइगो का मतलब समझना पड़ेगा, डिजनेस का मतलब समझना पड़ेगा। तो उस वो कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आता है, अगर जैसे यंग पेशेंट है वो कहता है चक्कर आ रहा है, तो यूजुअली जो क्या होता है कि बुखार के साथ भी आपको इस तरह की सेंसेशन होते हैं, उसको उल्टी के साथ भी इस तरह के सेंसेशन होता है, अगर उसको नौजिया होगा तब भी वो कहेगा कि हमको अजीब सा चक्कर आ रहा है। तो उससे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपको क्या जी मालिश हो रहा है या आपको सर में दर्द हो रहा है या हाई ग्रेड फीवर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो कारण वो अलग होते हैं। वो यंग पेशेंट में स्पाइन में बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है 14 15 साल में, ना ही कोई डिजनरेशन होता है, ना ही नर्व लेवल पर कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसको लोकल प्रॉब्लम के साथ वो, क्योंकि घर में लोगों को कहते वो सुनता है मदर को, फादर को चक्कर आ रहा है, दादा को चक्कर आ रहा है, तो वो उस टर्म्स को अपनी कंडीशन के साथ रिलेट कर लेता है। उसको आपको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि ये तुम जो चक्कर कह रहे हो उसका मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ। डॉक्टर सर आपने जो जी जी बताएं डॉक्टर, आपने जो एक्सरसाइजेस बताई है अगर उसका कुछ वीडियो वगैरह हमको मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो में बना के इंशाल्लाह जो है ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जो आप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो थोड़ा सा जैसे वीडियो हो जाएंगी ना तो हम लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वरना फिर आपका एक लेक्चर नहीं, वर्कशॉप का लेना पड़ेगा। डॉक्टर अनस अब्दुल्ला से मैंने कहा था कि आप वो जमात में है माशाल्लाह, इसीलिए इस जी बार जो जी है, नहीं तो हम ज्यादातर डॉक्टर अनस अब्दुल्ला क्लिनिक पर चले आते हैं, उनके पास एक कमरा है, बेचारे बड़ा इंतजाम करे हुए हैं, तो अगर मेरे पास डॉक्टर अनस होते तो उन्हीं पे करके हम अभी बता देते, मगर क्योंकि मैं अकेला हूँ कोई मेरे पास है नहीं इस वक्त, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं उन्हीं पे बता देता। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वीडियो मिलेंगी, बिल्कुल आप परेशान ना होंगे, डॉक्टर साहब आपको वीडियो शेयर करेंगे ग्रुप पर। ये डॉक्टर मुजाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म 5 मिनट और लेंगे डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि आपको फॉरवर्ड जी बताएं मुजाहिद साहब। हेड पोजीशन अगर क्रॉनिक हो गई सर, और वो उसका पेशेंट बदलना मुमकिन ना हो अगर उससे, तो उसके लिए कुछ दवाई के जरिए इलाज। सब दवाई तो हमको कुछ नजर नहीं आई, दवाई तो वक्ती तौर पे काम करेगी। जी अब फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्रोनिक है और उसका फिक्स हो गया, होता है फॉरवर्ड हेड हाँ पोस्चर फिक्स भी हो जाता है और ओल्ड एज में फिक्स भी हो जाता है, उसको करेक्ट आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पाइन बहुत वीक हो जाती है, ऑसियोफाइट्स बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, खींचतानी करेंगे टूट जाएगी ऑसियोफाइट्स, पता चला और दिक्कत आ जाती है। अब उसमें देखते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर अगर फिक्स हो गया है या क्रोनिक हो गया है और वापस नहीं जा रहा है उसको, या वो बहुत मेहनत कर रहा है तब भी नहीं जा रहा है जैसे ओल्ड एज में देखा जाता है, तो कंप्लेन क्या है उस फॉरवर्ड हेड पोस्चर से, उसको कंप्लेन क्या है, उस कंप्लेन को ही हम लोग ठीक करते हैं, फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया सर। डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब, डॉक्टर मोहम्मद तारिक,
सर ऑस्टियोफाइट्स को क्या रिवर्सिबल कर सकते हैं? एक्चुअली है तो ये कैल्शियम का डिपोजिशन, तो क्या वाकई ये ऐसा हो जाता है कि ऑस्टियोफाइट बिल्कुल खत्म हो जाए? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा दिखते रहेंगे आपको एक्सरे में। आप मस्कुलर लेवल पे चेंज कर सकते हैं, और जब आप चेंज करेंगे तो आप उस चीज को आगे बढ़ने से रोक देंगे, फर्दर ऑस्टियोफाइट्स बनने से रोक देंगे, फर्दर डिस्क में प्रेशर को रोक देंगे, फर्दर डीजनरेशन को रोक देंगे, मगर जितना स्पाइन में हो चुका है वो तो हो चुका है डॉक्टर साहब, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और जिसमें प्रेशर भी चेंज कर देंगे, वो कंप्लेन भी चेंज हो जाएगी, हाथ में स्पिनिंग सेंसेशन, हाथ में पेन, सब खत्म हो जाएगा। और वो अगर पेशेंट कहता है कि देखें हम मेरा एक्सरे सही हुआ, तो एक्सरे तो वैसे ही रहेगा। उससे बस ये समझाना होगा कि फर्दर डेवलपमेंट जो हो रहा है बीमारी का वो रुक जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर माइग्रेन का कंप्लेन भी कम हो जाएगा इससे? माइग्रेन का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज है ये, फॉरवर्ड हेड पोस्चर फीमेल में माइग्रेन का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि माइग्रेन का कारण तो कुछ मालूम नहीं है कि माइग्रेन क्यों हो जाता है। किसी चीज का अगर वजह मालूम हो जाए तो उसका इलाज हो जाता है। डायरिया की वजह मालूम है, इलाज है। टीबी की वजह मालूम है, इलाज है। बीपी की वजह नहीं मालूम है, इलाज नहीं है, हमेशा दवा खाता है। डायबिटीज की वजह नहीं मालूम है, हमेशा दवा खाता है। तो फॉरवर्ड माइग्रेन की भी वजह नहीं मालूम है, फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें भी फैक्टर्स में एक फैक्टर ये ऐसा है कि अगर इसको करेक्ट करा दें तो बहुत बार फीमेल्स के माइग्रेन के अटैक आने बंद हो जाते हैं। उसको कोशिश करके देखिए आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए बोलिए। सर जो आप एक्सरसाइज बताए सर, तो उसी में हम लोग सेम अप्लाई कर सकते हैं जिसका C1, C2, C3 ऐसे कोई वर्टिब्रा अगर डिसबल्ज हो तो? ये जितनी भी एक्सरसाइज है वो फॉरवर्ड पोस्चर को करेक्ट कराने की एक्सरसाइज है। फॉरवर्ड का अब इसमें वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन इस तरह से हो सकता है कि पेशेंट आपके प्रेजेंट किस तरह से करा है। क्या डिस्क प्रोलैप्स की वजह से पेशेंट प्रेजेंट किया है, सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एक्सरसाइज का एक ये रूल रहता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से अगर पेन आपको बढ़ रहा है तो फौरन रोक देते हैं। तो जैसे हमने, मेरा ये मतलब एक्सपीरियंस है कि जब हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स के साथ पेशेंट आता है तो चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइज से पेन बहुत तेज बढ़ता है। उसकी वजह भी होती है क्योंकि डिस्क प्रोलैप्स जब होता है तो जब हम हेड को फॉरवर्ड करेंगे, मतलब चिन को हम चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, तो जो इंटरवर्टिब्रल फोसा होता है जिससे हमारी नर्व निकलती है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है। और जहां हम चिन को छत पे की तरफ, मतलब सर को छत की तरफ अगर देखते हैं तो कंप्रेशन और बढ़ जाता है, तो पेन और बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी आपको डिस्क प्रोलैप्स के साथ, सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स के साथ, जिसमें पेन गर्दन में है और हाथ में भी रेडिएट कर रहा है, उसमें अगर आप कॉलर लगाते हैं तो पेन बढ़ जाता है। तो शुरुआत में हम कॉलर उल्टा लगवा देते हैं तो उसको जो है धीरे धीरे जब सूजन कम होती है तो फिर इको आ जा रहा है। कोई बात नहीं सर, बोलिए बोलिए सर, समझ में आ रही। तो उसमें जब हमें कॉलर लगाते हैं तो पेन बढ़ जाता है, मगर अगर कॉलर को उल्टा लगवा देते हैं जिसमें आगे की तरफ हल्का सा गर्दन को फ्लेक्स हो जाती है तो उसको पेन कमी हो जाती है। तो आप देखिए वेरिएशन कितना ज्यादा होने लगता है। इसके लिए आपको बायोमैकेनिक्स उसकी मालूम होनी चाहिए कि गर्दन को जो झुका रहा है तो किस तरह पेन कम हो रहा है, गर्दन को उठा रहा है तो किस तरह पेन बढ़ रहा है। मगर आपका मोटो क्या है, आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या है कि पॉस्चर को मेंटेन करना। वो पॉस्चर को मेंटेन करने के वजह के लिए आप पेन बढ़ा नहीं सकते। तो अगर पहले पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए आपको पेन बढ़ रहा है तो पॉस्चर को करेक्ट नहीं करेंगे,
पहले उसके पेन को ठीक करेंगे, जब मसल रिलैक्स हो जाएगी तो धीरे धीरे कहेंगे कि आप पॉस्चर को करेक्ट करो, और ये रिहेबिलिटेशन होता है। ठीक है डॉक्टर सर, एक मिनट सर, फिजियोथेरेपी कोई अच्छी बुक सर? अब फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी बुक्स हैं, मगर अब कौन सी बुक्स की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज थेरेपी की बात कर रहे हैं? यस सर, एक्सरसाइज थेरेपी सर कोई अच्छी बुक बोल सकते हैं? बुक्स तो मैं आपको बुक जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। मतलब कुछ ऐसे बुक्स हैं जो लोगों को समझ में आए और जनरल पब्लिक को भी समझ में आए और एक्सरसाइज भी उसमें है, वो मैं आपको बता दूंगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनस एंड डॉक्टर महफूज साहब, आप लोग बहुत बहुत। हाँ बताएं बताएं डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं दे कंटिन्यूअसली सिट और उनका पोस्चर भी फॉरवर्ड रहता है, तो उसकी वजह से मोस्टली में का भी इशू होता है, तो इज दैट रिलेटेड फॉरवर्ड पोस्चर का और ये हैंड का? डॉक्टर साहब इको बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मैं रिपीट करती हूं, अभी सर ठीक से आ रहा है? इको क्यों आ रहा है इसमें? बॉस आपकी तरफ से। चलिए ठीक है, पूछिए डॉक्टर साहब, पूछिए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोस्टली आईटी सेक्टर के जो पेशर लोग होते हैं सेट फॉर कंटिन्यू कंटिन्यू एक जगह बैठ के काम करना होता है, मोस्टली उनका पोस्चर फॉरवर्ड रहता है, बंद हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोग अपना माइक बंद कर लें, जो बोल रहा है जो स्पीकर है वही एक माइक ओपन रखें, तो हमारा जो भी इको है बंद हो जाएगा। बहुत ज्यादा इको था, अब नॉर्मल है। सर आप बोलो। हाँ बोलिए। हाँ सर आप बता रहे थे आईटी सेक्टर में लोग कंटीन्यूअस लैपटॉप पे या जो है मीडिया डिवाइस पे काम करते हैं। यस सर, वो कंटीन्यूअसली वो बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, मतलब आवर्स 8-8 घंटे 10-10 घंटे जैसे डेटा प्लेस, तो उसकी वजह से मोस्टली आई हैव सीन उनको नेक में इशू आने लगता है और हाथ में बहुत पेन होता है, ऊपर भी नहीं कर पाते हाथ, और उनको लेग में पेन, मतलब शियाटिका काइंड ऑफ पेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये शियाटिका और ये सारा इशू ये सब पोस्चरल प्रॉब्लम्स में ही आएगा, मतलब फॉरवर्ड जो आपने बताया उससे रेक्टिफाई हो सकता है? देखिए पोस्चर तो हमको केवल गर्दन का थोड़ी ना नॉर्मल रखना, पोस्चर तो पूरी बॉडी का एटीट्यूड है। अगर बैक का भी पोस्चर हम मेंटेन नहीं कराएंगे तो बैक में जो प्रॉब्लम जो सर्वाइकल स्पाइन में हुई है वो बैक में होने लगेगी। तो बैठने के तरीके में सिर्फ गर्दन नहीं है, उसमें लंबर स्पाइन भी आता है, उसमें थोरेसिक स्पाइन भी आता है, उसमें शोल्डर भी आता है, हिप्स भी आते हैं। गलत पोस्चर की वजह से हिप में पेन होने लगते हैं, तो ओवरऑल पोस्चर करेक्ट कराएंगे। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनको हम पोस्चर करेक्ट कराते हैं, कंप्लेन जो लोकल है उसको रिलीव कराते हैं, उसके बाद ओवरऑल पोस्चर बता के और सेट ऑफ एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है कि कमर के पोस्चर अगर गड़बड़ होगा तो गर्दन की एक्सरसाइज कैसे काम करेगा, उसमें कमर की एक्सरसाइज बताते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप बीच बीच में जब काम करो तो 2-2 घंटे के बाद उठ के ये 2-3 तरह की एक्सरसाइज कर लिया करो, तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेशेंट बहुत अच्छा करते हैं इस बारे में। तो सर इफ पॉसिबल सम अदर लेक्चर में आप शाटिका और ये पोस्चरल इश्यूज एक्सप्लेन कर देंगे तो लंबर स्पाइन की। बहुत पेशेंट है सर, बहुत पेशेंट है इसके सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं डॉक्टर महफूज थोड़ा सा टाइम, एक लेक्चर आप अगर आप शाम में किसी टाइम टाइम दे दें थोड़ा सा, तो हम डॉक्टर अनस अब्दुल्ला से कहेंगे ये संडे से पहले एक लेक्चर रख लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल हम ही लोग सब पेशेंट हैं, अगर डॉक्टर महफूज इस वर्कशॉप पर इसको डिस्प्ले डायरेक्ट कर दे हमारे प्रैक्टिशनर के लिए, तो कम से कम डॉक्टर तो बीमारी से बच जाएगा, मरीज के साथ साथ कुछ डॉक्टर अपनी पोजीशन अपना सिस्टम। सबसे ज्यादा डॉक्टर ही परेशान है डॉक्टर साहब, मेरी क्लिनिक पे सबसे ज्यादा डॉक्टर ही आते हैं। और मैं डॉक्टर महफूज को इसलिए मैं थोड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्टर महफूज कंसेप्ट के एतबार से हर चीज को डिस्प्ले करते हैं, अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो किसी चीज को नहीं समझाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिशनर से कहेंगे कि आप बिल्कुल हम आपके लिए बिल्कुल एक न्यू वर्कशॉप अटेंड कराते हैं डॉक्टर महफूज, इंशाल्लाह उस पर कुछ ना कुछ हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।